गुड मॉर्निंग। आज मैं व्याकरण से पार्ट दो लिपि और वर्णमाला लिख रही हूँ। लिपि को जानने से पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखेंगे पिता। अब पिता बोलने में हमारे मुख से दो ध्वनि निकले, पहले पी और ता। अब पी कैसे बना? प प्लस ई त प्लस आ बना पिता। अब हम इनके और टुकड़े नहीं कर सकते, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे मुख से निकलने वाली हर छोटी से छोटी ध्वनि को हिंदी में वर्ण कहा जाता है। और अब हम हिंदी के वर्ण देखेंगे। वर्णों को दो भागों में बांटा है। स्वर, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है। देखेंगे अ आ ई ई उ उ, है ना। आगे देखेंगे। अब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख च। अब आप सुनेंगे अगर ध्यान से, क प्लस अ क बना, ख प्लस अ ख बना। इसी तरह हमारी पूरी वर्णमाला होती है जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन अब अगर देखेंगे तो क से ह तक लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ड और ढ दो अतिरिक्त व्यंजन है जिन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। तो आपने जाना हमारे मुख से निकलने वाली हर ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब स्वर व्यंजन के अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखेंगे ये 4 व्यंजन है, क्ष त्र ज्ञ और श्र। क्ष बना कक्ष के मेल से, त्र बना तर के मेल से, ज्ञ बना जय के मेल से और श्र बना श और र के मेल से। इसके अलावा हिंदी में और हैं, वो है अनुस्वार जिसे हम अम की बिंदी से जानते हैं और इसको नाक से बोला जाता है, जैसे अंग रंग कंगन अनुनासिका। इसे चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं और इसको नाक और मुंह के द्वारा बोला जाता है, जैसे आँख चांद सांप विसर्ग। इसका उच्चारण ह वर्ण के समान होता है। देखेंगे अम और अह जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, इन्हें अयोग वहा के नाम से भी जाना जाता है। न तो ये स्वर है और न ही व्यंजन, पर इनका उपयोग मात्रा के रूप में होता है। अब हम देखेंगे अम और अह से बनने वाले कुछ शब्द। अम की बिंदी से बनेगा पतंग बंदर झंडा बंदूक, है ना। अब हम आगे देखेंगे, इन्हें अनुस्वार कहते हैं। और अब हम जानेंगे अनुनासिका के बारे में। चंद्र बिंदु जिसे बोलते हैं, दांत चांद सांप मूछ आदि। विसर्ग से बनेंगे प्रातः नमः। देखा आपने, इनको बोलने में ह का उच्चारण आया। इसी प्रकार कि अब हम वर्णों के माध्यम से जब किसी भी भाषा को लिखित रूप में लिखना चाहते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। और लिपि लिखने के लिए इन्हीं चिन्हों की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, अंग्रेजी जर्मन की रोमन लिपि होती है, कश्मीरी भाषा की फारसी लिपि होती है, उर्दू की भी फारसी होती है। अब आपने देखा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो और दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो आपने इस पाठ से क्या सीखा? लिपि और वर्णमाला। अब हमें किसी भी भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा है, जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। और हर भाषा की अपनी लिपि होती है। इसी के साथ हमारा लेसन यह पाठ यहाँ खत्म होता है, जिसमें हमने सीखा वर्णमाला और उन वर्णों द्वारा लिखना सीखा, उसी को हम लिपि कहते हैं। बाय बाय। इसका वर्क पूरा करेंगे।